अब ये देखें ये सारे ख़र्चे को मैंने पानी लगाया है ये ज़रा भी देखें बिल्कुल मतलब कि आप जब भी खर्चे को पानी लगाते हैं ना वो इस तरह इकट्ठा हो जाता है यहाँ से ऐसे यह गोल हो जाते हैं लेकिन ये देखें वहीं के वहीं पड़ा है इसको मुकम्मल पानी के साथ मैंने गीला कर लिया ये देखें ये चेक करें ज़रा भी इसको महसूस नहीं हो रहा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सजील डिजाइनर पर आज की वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि बुकरम जो है वो काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हम कौन सी बुकरम यूज़ करें और कौन सी अच्छी बुकरम है जो बेस्ट है जो सबसे अच्छी हो जो ख़राब ना हो तो प्यारे भाई आज की वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको मैं ये गाइड करूँगा मुकम्मल और बताऊंगा कि आप कौन सी बुक्रम यूज़ करें जिसके आप जिसके लिए आपको शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं खुद यही बुक्रम ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ठीक है जी तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरे पास जो बुक्रम है ठीक है ये जो मैं बुकरम यूज़ कर रहा हूँ ये मदीना है ठीक है जी ये मदीना की बुकरम है और बहुत ही बेस्ट बकरम है ये इनशाला इसको आप यूज़ करें इसमें कोई भी आपको इनशाला शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ये बहुत ही अच्छी बकरम है ठीक है जी अब इसको मैं आपको चेक भी करा कर दूँगा इनशाला मुकम्मल प्रूफ आपको बताऊँगा कि ये बकरम आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई भी मसला नहीं होगा ठीक है जी तो फ्रेंड्स ये देखें ठीक है जी इसको दूसरी जो बुकरम है ना ये ये है वो अनारकली की ठीक है जी ये अनारकली की बुकरम है ठीक है और एक और बुकरम आती है मास्टर सॉफ्ट में भी और हार्ट में भी ठीक है जी आ, वो भी बुकरम ठीक है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है कि अगर शेंग करके वो लगाई जाए अच्छी तरह तो फिर वो भी आ, अच्छी बुकरम है ठीक है जी लेकिन जो मदीना है वो तो सबसे बेस्ट है ना तो ये क्वालिटी वाइज फ़र्क होता है थोड़ा बहुत तो ये अनारकली की है ये भी ठीक है ठीक है लेकिन इसमें और इसमें मदीना में बहुत सारा फ़र्क है ठीक है जी सबसे बेस्ट जो है वो मदीना ही है अनारकली से भी बेस्ट है ठीक है अब ये देखें मदीना और अनारकली में आपको फ़र्क आ नज़र आ रहा होगा ये देखें कि कितना फ़र्क है ये देखने में पता चल जाता है कि ये बुकरम बहुत ही अच्छी है ठीक है जी अब मैं एक और चीज़ आपको रिजल्ट आपके सामने रखूंगा मैं ये देखें मैं इसको पानी लगाने लगा हूँ ठीक है जी तो फिर आप चेक कीजिएगा कि इसमें क्या फ़र्क है ये देखें जी ये दोनों को पानी लगा इसको भी और इसको भी अब ये देखें ये अगट्ठी होगी इस तरह लेकिन ये मदीना की बुकरम वहीं के वहीं पड़ी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसको पानी भी लगा है कि नहीं ये देखें ये मुकम्मल ये गीला हो गया है लेकिन इसको कोई ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा और ये बुकरम देखें ये किस तरह गठी होगी इस तरह ठीक है जी ये देखें हालांकि ये भी शिलिंग नहीं हुई इसी तरह है ये भी बगैर शिलिंग के है मैं अभी आपके सामने बस रिजल्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये इनको पानी लगाया है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये मदीना जो बुकरम है ना ये सबसे बेस्ट है अगर आप तो सूटो में ये मदीना बुकम यूज़ करते हैं इनशाला आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ये बस चीज़ आपको मैंने बतानी थी काफ़ी दोस्त पूछते थे इसलिए मैंने कहा ये छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियोज़ में दुआ में याद रखिएगा कमेंट में अपने राय का ज़रूर इजहार किया करें वीडियो को लाइक शेयर और लाजमी कर दिया करें दोस्तों के साथ भी ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़